भारतीय रियल एस्टेट में अगर सुस्ती से कम रिटर्न की चिंता है तो निवेशकों के लिए दुबई का विकल्प है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनियां भारतीय निवेशकों को निवेश के लिए खींचने में जुटी हुई हैं। बेहतर रेंटल रिटर्न और टैक्स में रियायतों की वजह से दुबई में निवेश का ट्रेंड बढ़ा है। भारत के रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती जारी है, लेकिन दुबई रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ बनी हुई है। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा निवेश भारतीय ही कर रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 की पहली छमाही में भारतीयों ने $200 करोड़ निवेश कर 3000 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है। पिछले चार सालों में भारतीयों ने $1400 करोड़ वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदी है। 2008 की मंदी के बाद दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत गिर गई थी। अब भी दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में रेट काफी कम है। आज की तारीख में हमें कोई बिजनेस शुरुआत करनी है दुबई में तो आप ओवरनाइट कर सकते हैं और वो टैक्स फ्री रहता है। और मेरे अंदाज से लोगों जो वहां रहते हैं उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही अच्छी रहती है, तो ज्यादातर लोग इस कारण जाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। भारत के मुकाबले दुबई में प्रॉपर्टी में निवेश करना आसान है। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। दुबई में रेंटल इनकम पर टैक्स भी नहीं अदा करना पड़ता। इस वजह से निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। आरबीआई ने विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति $2.5 लाख की सीमा तय कर रखी है। ऐसे में लोग अकेले या परिवार के साथ मिलकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अच्छे रेंटल और रीसेल वैल्यू की वजह से प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद साबित हो रहा है। ताज़ा ट्रेंड के मुताबिक डाउनटाउन दुबई, दुबई मरीना, जुमेराह लेक टावर्स और दीपाम एरिया में प्रॉपर्टी खरीद बढ़ी है। अच्छे रेंटल और रीसेल वैल्यू की वजह से प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद साबित हो रहा है। निवेशक वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ पर उसकी जो एंट्री पॉइंट है और जब उसकी एग्जिट पॉइंट आएगी दोनों के बीच में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो, क्लाइंब हो। दुबई का मार्केट आज ऐसा मार्केट है जहां पर जो 2008 का बबल हुआ था या बर्स्ट हुआ था उसके बाद से उसने धीरे धीरे रिकवरी की। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में बजट और प्राथमिकता के हिसाब से विकल्प है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। न्यूज़ 5 में मेरे साथ बस इतना ही। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।